प्लेटफॉर्म के हिसाब से बात करें तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देर इज कंप्लीट बिटवीन डेटा प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन, कंट्रोल और मैनेजमेंट प्लेन। ये बड़ा एक अच्छा फीचर है और ये समझाता हूँ। और दूसरा एक हम लोग अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे, सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग फीचर, तो इट इज नोन एज SP3 आर्किटेक्चर। तो इसमें हम लोग आगे बात करेंगे, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे हम लोग आगे, सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग। बट फिलहाल के लिए दोनों पॉइंट मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं, और वो ये कि यहां पे मैं फिर से डाल देना चाह रहा था वो ये पहला पॉइंट आप सुन लो, आइसोलेशन वाला पॉइंट। लेट्स से अगर हम लोग पास एक सिस्को राउटर है, सिस्को का कोई राउटर है, सॉरी आप सिस्को IOS राउटर, और इस राउटर के ऊपर मैंने गलती से फॉर एग्जाम्पल डीबग कमांड चला दिया, वैसे और बहुत ही जनरिक कमांड चला दिया, डीबग IP पैकेट डिटेल सपोज, एक्सीडेंटली ये मैंने कमांड चला दिया लाइव नेटवर्क में, प्रोडक्शन नेटवर्क में। तो यू मे अंडरस्टैंड नाउ कि डीबग IP पैकेट डिटेल मींस कि जितना भी IP पैकेट है, कोई पैकेट ICMP OSPF या एनी पैकेट, वो सबको ये डीबग करना शुरू कर देगा। तो हो सकता है कि इसका CPU यूटिलाइजेशन 90-100% तक कहीं चला जाए। और ऐसा भी सिचुएशन कई बार आ जाता है कि जब ये सिचुएशन आ जाएगा राउटर के ऊपर, तो इवन जो राउटर का कंसोल पोर्ट है या जो हम लोग नेटवर्क के थ्रू SSH या टेलनेट के थ्रू पहुंचते हैं, ये सारा एक्सेस बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही CPU है जो दोनों को मैनेज कर रहा है, जो कंट्रोल पोर्ट्स हैं या मैनेजमेंट पोर्ट्स हैं एंड एज वेल एज डेटा पोर्ट्स। दो अलग CPU और प्रोसेसर नहीं होते हैं। या अगर कुछ थोड़ा फायरवॉल की परस्पेक्टिव से बात करूं मैं, जैसे इस माय फायरवॉल, इस फायरवॉल के ऊपर कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो गया। अटैक होने की वजह से अगर इसका CPU यूटिलाइजेशन 99 या 100% चला गया, तो एटलीस्ट मुझे किसी तरीके से इस फायरवॉल का एक्सेस चाहिए होगा टू कंट्रोल सम फीचर्स और मैकेनिज्म। तो अगर फायरवॉल में एक ही प्रोसेसर है, एक ही मेमोरी हार्ड डिस्क सब कुछ है, तो ये चैलेंज होता है। अगर कुछ ऐसा हो कि ये मेरा फायरवॉल है और इस फायरवॉल में CPU RAM हार्ड डिस्क ये लगे हुए हैं इनको मैनेज करने के लिए, कंसोल पोर्ट एंड अंदर फायरवॉल में एक और पोर्ट होता है मैनेजमेंट पोर्ट, ये RJ45 का पोर्ट है, और ये आपके रेगुलर डेटा पोर्ट्स हैं जो लैन और वैन पोर्ट्स हैं। ये इधर अलग से CPU है, इसका अलग मेमोरी है और इसका अलग हार्ड डिस्क या स्टोरेज है। तो एक तरीके से ये जो आपका मैनेजमेंट प्लेन है या जिसको हम लोग कंट्रोल प्लेन भी कह सकते हैं, और ये डेटा प्लेन है, तो अगर कुछ अटैक होगा भी, ये वैन की साइड में जा रहा है, ये DMZ में गया, लैन साइड में जा रहा है, ये हमारे रेगुलर इथरनेट पोर्ट्स हैं, डेटा पोर्ट्स हैं जिनको हम डेटा पोर्ट्स बोलते हैं। तो अगर इधर CPU टेस्ट 100% भी चला गया, तब भी हम लोग एटलीस्ट कंसोल केबल यूज करके, सीरियल पोर्ट यूज करके कंसोल CLI में एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। आई मे बी वी 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 मे एक्सेस दिस डिवाइस बाय यूजिंग एनी कॉपर केबल, स्टेट केबल या जो भी कॉपर केबल है उसको कनेक्ट करके लैन पोर्ट से, तो भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं मैनेजमेंट पोर्ट से। क्योंकि इन्होंने क्या किया, दो अलग आइसोलेशन कर दिया बिल्कुल, कि डेटा प्लेन के लिए अलग रिसोर्सेज होगा, मैनेजमेंट प्लेन के लिए अलग रिसोर्सेज होगा, और ये दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये प्लेटफॉर्म वाइज एक बड़ा अच्छा फीचर है इसमें कि डेटा प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन में कंप्लीट आइसोलेशन है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करने वाला है। दूसरा एक अच्छा फीचर जो आगे हम लोग डिटेल में मैंने बताया कि बात करेंगे हम लोग, क्योंकि जो हम लोग का कंटेंट आईडी है वो इसी को यूज करता है, कंटेंट आईडी। कुछ फायरवॉल्स में क्या होते हैं कि करते वो भी सारे काम है फायरवॉल भी,
ये फायरवॉल कोई लेसर डेटा आ रहा है ये टीसीपी एंड इज द पेलोड. ऑलराइट, सो जो अगर हम लोग इस फायरवॉल के ऊपर लेट्स से चाहते हैं कि हम लोग एंटीवायरस फीचर इनेबल करना है इन ऑर्डर टू लाइक डिटेक्ट द वायरस और मे बी एनी अदर अनरिकॉग्नाइज्ड कोड इनसाइड द पेलोड. एट द सेम टाइम आई वांट आल्सो टू कॉन्फिगर यूआरएल फिल्टरिंग, कौन सा यूआरएल या वेबसाइट कैटेगरी अलाउड होना चाहिए, या हमें अगर ये भी देखना है कि कोई स्पाइवेयर तो नहीं आ रहा इस कंटेंट के अंदर, स्पाइवेयर तो नहीं आ रहा इसके अंदर साथ में, या कुछ मलेशियस चीजें तो नहीं है, मलेशियस कोई कोड तो नहीं है इसके अंदर. तो ये जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स बाकी फायरवॉल में भी होते हैं, जो भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम फायरवॉल्स में होता है क्या है कि एंटीवायरस जो ब्लेड होगा सॉफ्टवेयर किसी डेटा के अंदर इंस्पेक्ट करेगा, और अगर वायरस हुआ तो उसको वो डिटरमाइन करेगा या फिगर आउट करेगा, अलार्म जनरेट करेगा. यूआरएल फिल्टरिंग भी इसी को इंस्पेक्ट करेगा, और यहां से वो चेक करेगा किस वेबसाइट या कैटेगरी को हम लोग का एक्सेस करना है, स्पाइवेयर मलेशियस सारी चीजें, या फाइल ब्लॉकिंग, कंटेंट फिल्टरिंग, ये सब कुछ बाकी फायरवॉल्स भी करते हैं. बट व्हाट हैपेंस, देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म आर अप्रोच टू फिगर आउट आर टू डिटरमाइन दीज लाइक थ्रेट्स आर अटैक्स. फॉर एग्जाम्पल, एंटी वायरस विल अप्लाई इट्स ओन सिग्नेचर, एंटी वायरस सिग्नेचर, यू आर एल फिल्टरिंग, इट हैज एच टी टी पी प्रोटोकॉल डिकोडर, एंड एट द सेम टाइम वॉट एंटी वायरस डज, इट कॉपीज फाइल टू इट्स मेमोरी लोकली टेम्परेली, and then applies antivirus signature to determine that whether file is virus infected or not. It is known as file proxy concept. मतलब antivirus क्या कर रहा है कि जो file हम लोग download कर रहे हैं उसको कुछ portion उसका यहाँ पे शुरू में copy करेगा, copy करने के बाद signature apply कर रहा है, इसको लगा कि नहीं neat and clean है, फिर वो जाने देगा, फिर copy करेगा, फिर neat and clean, थोड़ा थोड़ा part ऐसे कर रहा है. तो एक तरीके से ये real time नहीं हुआ, स्ट्रीम बेस नहीं हुआ, रियल टाइम या स्ट्रीम बेस नहीं हुआ, बिकॉज फाइल प्रॉक्सी हो रहा है. यूआरएल फिल्टरिंग का अपना एक तरीका है, स्पाइवेयर अपना एक सिग्नेचर या कुछ अपना मैकेनिज्म राउट करेगा. तो इससे क्या होता है कि अगर हम लोग ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करते हैं फायरवॉल के ऊपर, कि एक फायरवॉल है, हम लोगों ने सब कुछ कॉन्फ़िगर कर दिया, एवरीथिंग, एंटीवायरस, यूआरएल फिल्टरिंग, ये वो सब कुछ कर दिया, तो ठीक है, बाकी फायरवॉल भी ये काम करेंगे, टाइम लगेगा, फिर वन बाय वन होगा, एक किया, दूसरा किया, तीसरा किया. पालो आल्टो ने इसके ऊपर भी काम किया थोड़ा सा. इन्होंने क्या कहा कि एक ही बार जब पैकेट पास होगा, या लेयर वाइज समझें तो फिजिकल डाटा, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, या सेशन प्रेजेंटेशन लेके एप्लीकेशन तक, कि एक बार जब पैकेट ये पास होगा फायरवॉल के थ्रू, तो एक ही बार में सिंगल फ्लो में कंप्लीटली इसको इंस्पेक्ट कर लिया जाएगा, कंप्लीटली इंस्पेक्ट कर लिया गया, और वो जो इंस्पेक्शन होगा रियल टाइम होगा, स्ट्रीम बेस होगा, जैसे 01 01 01 जा रहा है, तो कुछ ऐसा इन्होंने मैकेनिज्म बनाया कि इसको पूरा प्रॉक्सी करने की जरूरत ना हो, चलता रहेगा डाटा, और ये उसमें से पिक कर करके इंस्पेक्ट करना इसका इंजन शुरू कर देगा, और एक सिंगल यूनिफॉर्म कॉन्टेंट आईडी इंजन बनाया इन्होंने, एक सिंगल इंजन बनाया. और मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हो कि वो सिंगल इंजन का काम क्या है, कि जो इसका पेलोड है, इस पूरे पेलोड को एक ही बार में इंस्पेक्ट कर लेना, एक ही बार में, ये नहीं कि एंटीवायरस एक बार कर रहा है, फिर यूआरएल फिल्टरिंग कर रहा है, फिर कुछ और कर रहा है, सबको अलग अलग होगा. इसने इस पूरे को एक ही बार में इंस्पेक्ट कर लिया सिंगल पास में, और उसके बाद इसका जो फाइंडिंग होगा, जो रिजल्ट होगा, वो डिफरेंट ब्लेड्स को दे देगा. इसको अपना अब एंटीवायरस को दे दिया, यूआरएल फिल्टरिंग को दे दिया, स्पाईवेयर एक तरीके से, या वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शंस, फाइल ब्लॉकिंग. अब ये लोग क्या करेंगे, पैरेलली अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो रूल अप्लाई करना होगा करेंगे. इट मींस ये जो फीचर्स हैं, एंटीवायरस, यूआरएल, स्पाईवेयर, वल्नरेबिलिटी, फाइल ब्लॉकिंग, ये इंडिविजुअल वन आफ्टर अनदर अपना सिग्नेचर अप्लाई करके बार बार उस पेलोड को इंस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं कि एक ने कर लिया अब दूसरे की बारी, एक ही बार में हो रहा है, वो एक ही बार में इंस्पेक्ट हुआ, उसके बाद ये पैरेलल काम हो रहा है, सब लोग पैरेलली एक बार में कर रहे हैं.
जैसे वो फार्मूला वन वाला होता है, जो रेस होता है फार्मूला वन वाला, उसमें होता है कि गाड़ी जैसे आगे रुकती है, जो ड्राइवर होता है, एक बंदा फटाफट उसके टायर चेंज कर रहा होता है, चारों टायर चेंज करेगा, एक उस ड्राइवर को पानी पिला रहा होता है, एक इंजन ऑयल चेंज करता है, एक कूलेंट डालता है गाड़ी के अंदर, सब एक साथ करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वन बाई वन हो और सब रेडी होते हैं बिल्कुल, कि जैसे गाड़ी आके रुकी फटाफट चारों बंदे पांचों बंदे अपना टास्क करना शुरू कर रहे हैं, कोई गाड़ी का टायर चेंज कर रहा है, कोई इंजन ऑयल डाल रहा है, कोई कूलेंट डाल रहा है, कोई ड्राइवर को पानी पिला रहा है, कोई इसके उसको कूल करा रहा है, इजी करा रहा है, सब लोग एक बार में करते हैं। वैसे ही कुछ काम पालो ऑल्टो में होता है कि इसके अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, पैरेलल सीरियल नहीं, वन आफ्टर अंदर नहीं होता है, और इवन पैकेट एक ही बार में कंप्लीटली एनालाइज हो जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये स्ट्रीम बेस्ड रियल टाइम एनालिसिस होता है, प्रॉक्सिंग नहीं होता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे जब ये टॉपिक शुरू करूंगा मैं कंटेंट आईडी, तो ये हम लोग कंटेंट आईडी में डिटेल में बात करेंगे। बट अगेन इस वेरी यूनिक फीचर ऑफ पालो ऑल्टो का। तो ओवरऑल इससे फायदा क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हो गया कि लेटेंसी बहुत कम हो जाएगी, बहुत फास्ट हो गया। अदरवाइज बाकी फायरवॉल्स में क्या होता है, एंटीवायरस या यूआरएल फिल्टरिंग, या जैसे जैसे हम लोग एक एक चीज कॉन्फिगर करते जाते हैं, नेटवर्क का स्पीड या परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाता है, थ्रूपुट घटता रहता है। पालो आल्टो में इन्होंने कोशिश किया कि आप सारे फीचर्स को एक्टिवेट कर दो, स्टिल बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा,